बादलों ने उल्लू का रूप लिया और बरसने के लिए तैयार हुए, लेकिन जैसे ही ओले जमीन पर गिरते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उनका जो प्रयोजन था तहस नहस फैलाने का, क्षतिग्रस्त करने का, बर्बरता फैलाने का, वो प्लान पूरा का पूरा चौपट हो गया। अब उन बादलों का बर्फ का रूप यानी ओलों का रूप लेकर के गिरने से पर भी कुछ भी असर नहीं हुआ। आखिर हार मान करके लिखा है, हार का हार लटक रहा है उन ओल रूपी बादलों ओझलों की गली में, हार का हार लटक रहा है। सुरभि सुगंध से रहत मृतक मुरझाया हुआ सा। अच्छे पेज नंबर 252 निकाल लेंगे। आज का प्रसंग जब इस प्रकार का हुआ, माहौल बना, तो बड़े बीच में क्या होता है, कहावत चलती, घिसियाने बिजली खम्बा लौचे। गुस्से में आकर के बहुत सारे ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं, पुनः नए नए रूप से एक बिजली का कोंदना उनका काम जारी है। आदि आदि पराभव को बढ़ता गया, लेकिन जितने जितने वे हार स्वीकार करता गया उतने उतने उसके अंदर की दाह भी बढ़ती जा रही है। यही है क्रोध, आदमी को हमेशा पराजय की ओर ही ले जाता है, कभी जीत नहीं पाता। जब जब भी आदमी के जीवन में क्रोध का या क्रोध की संभावनाएं जगी होती हैं, या एक क्रोध का उद्वेग जिस समय आता है, उस समय उसके आहत आयु हुई संपत्ति भी विपत्ति का कारण बन जाती है। उसकी संपत्ति विपत्ति का कारण बने, क्योंकि क्रोध में आकर उसे बोध नहीं रहता, और जहां बोध नहीं रहता वहां पर उसका कार्य में विवेकहीनता नियम से दिखाई देती है। पर वही हुआ कि जब हार हो गई और हार हो जाने के कारण से क्रोध उसके अंदर जन्मा, विवेक समाप्त हो गया, और विवेक समाप्त हो जाने के बाद तरह तरह से प्रतिकूलताएं उसके जीवन में आती जा रही है। आज उसी को और चलते हैं पेज 252। इस प्रतिकूलता में भी यानी इस प्रतिकूलता में भी भूखे भूखड़ों का साहस अद्भुत है। कैसे भूखे भूखड़ों का साहस अद्भुत है। त्याग तपस्या अनूठी, जन्मभूमि की लाज, मां पृथ्वी की प्रतिष्ठा, दृढ़ निष्ठा के बिना टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती। यहां लुट जाती तब भी इस विषय की स्मृति में लाता हुआ, उपास की उपासना में डूबा हुआ शिल्पी किसी बात की मांग की नहीं की आज तक। अब बात यह है, अपने यहां कहते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो अपनी जन्मभूमि जन्मदात्री का गौरव जिसको होता है, या ये कहो कि जिसे अपनी जन्मभूमि और जहां जिसे गौरव का सम्मान बचाने की बात हुआ करती है, वहां पर वह कितना भी कैसा भी हो अपना लाज बचाने के लिए सारे काज करने को तैयार हो जाता है।
बड़े बड़े लोग हमने देखा है, जमीन है, बड़ी भूमिया है, ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उस चीज का, उस जगह का बड़ा गौरव होता है कि जहां मेरा जन्म हुआ, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरा स्थान है। उससे कहते भाई तू करोड़ों रुपये में बेच रहा है, ये इसको बेच दे। बोले कि ये तो नहीं बेचूंगा। बोले कि क्यों, यहां रहते तो हो नहीं, रहता नहीं हूं पर मैं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि जिस भूमि पर मेरा जन्म हुआ है वो मेरी माँ, गौरव सम्मान। मैं अपनी लाज होता मैंने अपने लिए उस पैसे के लिए अपनी गौरव को बेच दो, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। वो कभी बेचने की कोशिश नहीं करता। मुझे आवश्यकता नहीं है कि उसको बेचना पड़ो, नहीं आवश्यकता है, डली है डली रहना दो, मैं अपनी उस भूमि को बेचूंगा नहीं। वही है कि कितनी प्रतिकूलता है, सारी प्रतिकूलताएं और प्रतिकूलताओं के जैसे भूखे भूखों का साहस अद्भुत था। क्यों अद्भुत था? क्योंकि त्याग तपस्या अनूठी, जन्मभूमि की लाज बचाना है। जननी और जन्मभूमि दोनों की लाज, उनके गौरव को बढ़ाना चाहिए, अब उनकी लाज को बचाना चाहिए। यही सही मातृभूमि के प्रति और अपने मातृत्व के प्रति स्नेह भाव जागृत करता है। वही है कि जन्मभूमि की लाज, मां पृथ्वी की प्रतिष्ठा, अपनी मां की प्रतिष्ठा बढ़े, मां का गौरव बढ़े, अपनी जन्मभूमि का गौरव बढ़े, आदमी को लगता है कि वाह कुछ हुआ हो ना हो पर मेरे नगर का नाम हुआ, मैंने कुछ किया है, मेरे द्वारा कुछ किया गया है, तो मेरी जन्मभूमि का, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, मेरे नगर का, है ना, परिवार का नाम हुआ है। यही है माँ की पृथ्वी की प्रतिष्ठा बढ़ाना। दृढ़ निष्ठा के बिना अगर तुम्हारी उसके प्रति आस्था नहीं है, अगर हमारी आस्था उसके प्रति है तभी आप उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात करोगे। अगर आस्था नहीं है तो आपको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं होता। यही सबसे पहले निष्ठावान हो, और निष्ठा के बिना टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकती है, यहाँ लुट जाती है। तभी भी तब की अगर उसके पास ऐसी निष्ठा नहीं होती तो कब की लुट जाती वो। लुटने वाले तो चारों तरफ घूमे थे, बैठे ही है, ताक लगाए है। वो तो हमारे अंदर की निष्ठा, हमारे अंदर की श्रद्धा भक्ति ही ऐसी थी कि सामने वाला होकर के भी हमने उसे कभी उसकी लाज प्रतिष्ठा को बेची नहीं। दूसरा, गर्व और गौरव आदमी को तीन जगह हमेशा रखना चाहिए। गर्व और गौरव सबसे पहले कहा, सबसे पहले अपने धर्म, है ना, उनका हमेशा गर्व और गौरव रखना चाहिए। फिर दूसरे उसके बाद अपने माता पिता का गर्व और गौरव बनाए रखना चाहिए। तीसरा, अपनी जन्मभूमि जहां हमारा जन्म हुआ ऐसी जगह का हमें गर्व और गौरव बनाया रखना चाहिए। ये अगर हमारे तीन जगह है, ऐसे स्थान है जिससे कभी इनका गौरव कम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले धर्म और धर्मात्मा। धर्म से क्या लेंगे, आपने जिस कुल में जन्म लिया है, जहां की उसकी एक कुल परंपरा होगी, धर्माचरण होगा, कुलाचार होगा। अगर आप उस कुलाचार को छोड़ करके आचरण करते हो तो इससे उसके लिए कहा गया कि देखो इसमें इतना अच्छा उत्तम कुल मिला, और कुल मिलने के बाद ये आदमी कैसा विपरीत कार्य करता है, क्योंकि कुल परंपरा ही व्यक्ति की पहचान होती है, उसकी धर्म उसकी अपनी पहचान होती है,
आज के समय में लोग कहते मैं धर्म को नहीं मानता, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो धर्म को नहीं मानता हो, सब ना कहीं धर्म को मानते हैं। बोले कि कैसे धर्म को मानते हो? एक व्यक्ति ने कहा मैं भगवान को नहीं मानता। अच्छा, भगवान को नहीं मानते, धर्म को नहीं, बिल्कुल धर्म को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं। अच्छा, नास्तिक हो? अच्छा, ये बताओ जब तुम्हारा बेटा गिर जाता है या कोई गिर गया, उसके पैर पर खून बह रहा है, वो रो रहा है, तो आप उसे देख करके क्या कर दो? नहीं, वो अगर कोई है और ऐसा हो तो मैं तो तत्काल उसको उठाता हूँ, उसकी मलब पट्टी करता हूँ, जितना बन सकता है उतना सहयोग करता हूँ। तो आप नास्तिक हो ही नहीं सकते फिर। बोले कि क्यों? क्योंकि तुमने उसके लिए किसी दुखी को देख करके दया का भाव किया, किसी की पीड़ा को देख करके तुम्हारे मन में पीड़ा का भाव हुआ, इससे बड़ा धर्म और है क्या? यही तो धर्म है। अच्छा, आप इसको धर्म मानते हैं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बंधुओं। ये तो हमारे आदर्श महापुरुष हैं जिन्होंने उस धर्म को धारण किया है, ये तो हमारे मार्गदर्शन करने वाले, उनके हम व्यक्तित्व को आगे रख करके चलते हैं। धर्म तो सही यही है कि किसी दुखी व्यक्ति को देख करके हमारे मन में दया का भाव हो रहा है, करुणा का भाव हो रहा है। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा क्या? अहिंसा परमो धर्म, दया विशुद्धो धर्म, जीवाराम लखनो धर्म, ये परिभाषा दी है, ये धर्म है। महाराज जी, पूजा करना ये धर्म भी है? नहीं, पूजा करना ये अपने पूज्य पुरुषों का गुणगान करना है। हम ये वाला पूजा पूजा वाला धर्म नहीं मानते। बंधु, ये मत कहो कि अगर तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने उस कार्य को ये किया है, हम उनको धर्म उनके नहीं मानते, ऐसा नहीं। अगर आप उनको नहीं मानते तो तुम्हारी पहचान नहीं होती। तुम्हारी पहचान किससे है? उनसे है। आपकी कुल परंपरा किससे है? आपके बड़े बुजुर्गों से है। अगर आप उनको नहीं मानते तो आप अपने कुल परंपरा को नहीं मानते। इसलिए सबसे पहले कुलाचार हमारा होना चाहिए। बिल्कुल, धर्म का गौरव हो, गर्व हो, अपने कुल का गर्व हो, मान सम्मान बहुमान हो, उसका कभी अपमान ना हो, किसी प्रकार का उनके प्रति हमारी अनादर के भाव ना हो। धन पैसा आएगा, संपत्ति आएगी जाएगी, पर ये एक बार हाथ से चला गया तो पुनः लौट के आए ऐसा कोई भरोसा नहीं है। मौका मिलता है, हमारे लिए अवसर मिलता है, ये हमेशा करते रहने। इसलिए हमेशा अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, उनके प्रति दृढ़ आस्था होना चाहिए। वही मुखमाटी में आज का, इनके प्रति हमें आस्था दृढ़वान, अपने धर्म के प्रति दृढ़ आस्थावान, अपने गुरुओं के प्रति आस्थावान, समर्पण अर्पणा है, वही समर्पण आस्था ही हमारे लिए। अगर जिसके पास ही नहीं है वो टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती, यहाँ लुट जाती है। कैसे व्यक्ति भी लुट जाता है इसके बिना? अरे भाई, इसके जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं करते लोग उस पर भरोसा नहीं करते जिनका कोई धर्म की परंपरा कुलाचार नहीं होता, जिनका कोई आचरण नहीं होता। अरे भाई, ऐसे आदमी से दूर रहो, इनको कोई भरोसा नहीं है। कब क्या बोल रहे हैं, कब क्या कौन के कैसे पहलू पे बैठ जाए। और जिनका आचरण अच्छा होता है, बोल चाल में अच्छापन होता है, विश्वास होता है, वो व्यक्ति जहां कहीं भी चला जाए उसके हजारों मित्र होते हैं। और जिनका कोई बोल चाल में भरोसा नहीं तो उनका कोई मित्र नहीं होता है। पहले लोगों को
एक अपने यहाँ इतिहास के कुछ आलेखों के पन्नों में ऐसा लिखा जाता था, राज्य शासनों में, आज अपन लोकतंत्र में है, उस समय कहते थे जैन लोगों को शपथ की और गवाही की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोले कि क्यों? क्योंकि इनके धर्म में सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना। वो कहते हैं ये कुछ भी हो जाए, ये अपने धन लोभ के कारण मानते हैं कि ये थोड़े धन पैसे संग्रह की वृत्ति रखते हैं, पर ये कभी भी झूठ, किसी ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिसमें किसी चोरी का समर्थन होता हो, किसी जीवों की हिंसा होती हो। बोले इनके लिए कभी गवाही की, इनकी जवान ही, इनका वचन ही सत्य होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोला करते हैं। इसलिए अपने यहां आचार्य ने भक्ति में लिखा है जैनम वचनम सदा वंदे, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचन और जिनेन्द्र भगवान के वचनों को मानने वाले लोग सदा वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पहले ऐसी कुल परंपरा, ऐसे लोग हुआ करते थे। इस विषय की स्मृति को लाता हुआ, ऐसे उपास की उपासना में डूबता हुआ, ऐसे अपने परम पुरुषों की उपास की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी, जिसने अब तक के घड़े बनाए, तैयार किया और किसी बात की मांग नहीं की आज तक उसने, कोई मांग नहीं की कि मुझे ऐसा दे दो, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, कोई मांग नहीं की आज तक। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं हो, अर्थात आप ये मत सोच लेना कि उसने मांग नहीं की, इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं हो, अभाव का अनुभव नहीं हो रहा हो। अभाव का अनुभव हो रहा है, पीड़ा भी हो रही है, हाँ, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है। आज के समय में लोग क्या कहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो अपने आप को कछु नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये मुखमाटी में अर्थ का अभाव, कोई अभाव नहीं है, और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। अरे जिनने सब कुछ छोड़ दिया उनके पास जाओ कि भगवान हमें कछु जुगाड़ कर दो, हमारे को धर्म संपत्ति का योगदान दे दो। भगवान कहते हैं मूर्ख, जब मुझे अच्छा रास नहीं आया वो धन संपत्ति से, तुम्हें हम कैसे दे दें? जो चीज हमें अच्छी नहीं लगी वो चीज तुम मुझसे मांग रहे हो और हम तुम्हें दे दें, ये तो मेरे पास का काम नहीं है। वही है प्रभु से अर्थ की मांग करना, व्यर्थ है ना, ये तो व्यर्थ है। अब आगे, जो आपके पास है ही नहीं, कोशिश करिए, देखो बहुत अच्छा चिंतन है आचार्य जी का इसमें, जो आपके पास, अभी वर्तमान की दृष्टि चिंतन करना, जो आपके पास है ही नहीं